पर एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु मुझे यह जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्र देते हुए बोले, जाओ पहले इस पत्र का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह आदमी उस पत्र को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्र दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि अवश्य कोई कीमती पत्थर है, लेकिन बनावटी आवाज में बोला, देखने में को तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी आगे चल पड़ा। उसे लगा पत्थर कीमती है, किसी झोरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वह एक झोरी की दुकान पर पहुंचा, उसकी कीमत पूछी। झोरी उसे देखते ही पहचान गया कि बेश कीमती रूबी पत्थर है, जो किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो, मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो चुका था। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। झोरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50 लाख दे सकता हूँ। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। झोरी किसी की भी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वह उछलकर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम ये पत्थर मुझे दे दो, मैं 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। वह आदमी झोरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। झोरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये बेश कीमती पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात कह सुनाई। बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और झोरी ने बताया कि अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उसकी उतनी कीमत लगाई। ऐसे ही यह जीवन है, हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतनी महत्ता देती है, लेकिन आदमी और हीरे में एक फर्क यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल ही जाएंगे। जय जय श्री राधे।